तो दोस्तों नमस्कार, मैं सुशील मुरले आज एक बार फिर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ इस नए व्लॉग में। आज हम आप लोगों को लेकर के आ गए हैं जैनियों के तीर्थ स्थल पर, मुक्तागिरी क्षेत्र में, मुक्तागिरी धाम पर। और चलते हैं मुक्तागिरी की ओर और आप लोगों को भी दिखाते हैं कि मुक्तागिरी में जैनियों का तीर्थ स्थल कैसा है, क्या है यहाँ की विशेषता, यहाँ की कहानी क्या है, वो सब आपको बिल्कुल बारी बारी से हम बताते जाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं। पूरा चारों तरफ कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा होगा आप लोगों को। ये ताप्ती नदी के पुल पर अभी हम रुके हुए हैं। चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को। भाई साहब पूरी जीरो विजिबिलिटी है, ये देख लो, बहुत जबरदस्त सीन देख लो। यहाँ पर बिल्कुल कोहरा ही कोहरा है, चारों तरफ कुछ दिखाई देने के स्थिति में नहीं है। मौसम बहुत ज्यादा खराब चल रहा है। सिर्फ रोड भर दिख रही है बस। अचलपुर की दिशा ईशान, जहाँ मेंढागिरी नाम प्रधान, 3.5 कोटि मुनिराज, तिन के चरण नमोचित लाए। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं प्रसिद्ध तीर्थकर जैनियों लोगों का जो तीर्थ स्थल है मुक्तागिरी। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं मुक्तागिरी और आप लोग देख रहे हैं मेरे द्वारा मुक्तागिरी के सुंदर सुंदर दृश्य। तो दोस्तों इंजॉय करें मुक्तागिरी के इन दृश्यों को और जानें यहाँ के इतिहास को। दोस्तों एलिचपुर यानी कि अचलपुर स्थित दानवीर श्री नथुशाह पासुशाह कलमकर, इन्होंने अपने साथ ही स्वर्गीय राय साहिब मोती संगई रुखम संगई तथा स्वर्गीय श्री गेनालाल हीरालाल बड़जात्या से मिलकर श्री खापड़े जी से 1928 में यह पहाड़ खरीदा था। दोस्तों इधर चारों ही तरफ घने घने जंगल है, घने जंगलों के बीच में मुक्तागिरी क्षेत्र यहाँ पर बसा हुआ है। यहाँ पर ठहरने खाने के लिए बहुत ही उत्तम व्यवस्था है। यात्रीगण शाम 5 बजे के पहले यदि अगर पहुँच जाते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जंगली क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पर जानवरों का खतरा भी अधिक बढ़ जाता है। यहाँ पर दोस्तों शिकार बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, जानवरों का शिकार बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर किया करते थे लोग बाग। तो दोस्तों जब शिकार यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में होने लगा, तब इन लोगों ने खापड़े जी से यह पहाड़ को खरीद लिया था दोस्तों, जिससे कि शिकार होना रोका जा सके, यानी कि शिकार को रोका जा सके, इसलिए ये पहाड़ को इन्होंने खरीदा था। और बाद में यह पहाड़ मुक्तागिरी नाम से प्रसिद्ध हुआ दोस्तों। मुक्तागिरी को मेंढागिरी भी कहते हैं। बैतूल जिले की भैंसदेही तहसील में यह पड़ता है दोस्तों। मुक्तागिरी पूरे विश्व में सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर फोटोग्राफी वगैरह का बहुत बढ़िया सुंदर स्थान है, जहाँ आत्मा और जीव दोनों ही मुक्त हो जाते हैं, उसे मुक्तागिरी कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों संडे के दिन आना आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि संडे यह बंद रहता है, 10 बजे तक सुबह ही खुलता है और बंद रहता है दोस्तों।
दोस्तों 250 सीढ़ियां यहां पर है जो कि आपको चढ़ करके जाना पड़ता है। यहां पर जैनियों के 52 जैन मंदिर बने हुए हैं। देश और विदेश सभी जगहों से यहाँ पर दर्शन करने के लिए आती है पब्लिक। बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर दर्शन करने हेतु लोग पधारते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पर स्थित यह मंदिर बड़ा ही मनोरम दिखाई पड़ता है। दोस्तों 3.5 करोड़ मुनिराज मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर केसर और चंदन की बारिश भी होती है। अष्टमी और चतुर्दशी को यह बारिश यहाँ पर केसर और चंदन की होती है। दोस्तों कहा जाता है कि 10वें तीर्थ करके ध्यान मग्न अवस्था के दौरान आसमान से एक मेंढा जमीन पर गिरा था। ध्यान के बाद मुनिराज ने मरते हुए इस मेंढे के कान में नमोकार मंत्र पढ़ा था। दोस्तों वह मेंढा मरने के बाद देव बन गया। मोक्ष प्राप्त करने के बाद मेंढा जो कि देव बन गया था उसको बहुत समय बाद मुनिराज का ध्यान आया और वह निर्वहन स्थल पर आकर के मुनिराज से मिला। तभी से दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा की रात में केसर और चंदन की यहाँ पर बारिश होती है। दोस्तों यह बारिश कुदरती होने के कारण यह आज भी कौतूहल का विषय बना हुआ है कि यहाँ पर ये केसर और चंदन की बारिश होती कैसे है। दोस्तों बड़ा ही सुंदर 250 फीट से अधिक गहरा यहाँ पर झरना बहता है। दोस्तों ऊंचा झरना देखने योग्य बड़ा ही सुंदर झरना है और ये बारिश के समय में अक्सर ही यहाँ पर लोग आते हैं और झरने का और यहाँ के की गुफाओं का तीर्थ स्थल का बहुत ही सुंदर लाभ उठाते हैं। दोस्तों लगभग 200 से 250 सीढ़ी है ऊपर चढ़ने के लिए। दोस्तों 52 टेम्पल जो यहाँ पर बने हुए हैं, 52 टेम्पलों में 1 नंबर का, 10 नंबर का, 26 नंबर का और 48 नंबर का टेम्पल मेन टेम्पल माने जाते हैं। दोस्तों आप लोग यहाँ पर आए और यहाँ की खूबसूरती को एक बार देखे। मेरी नज़र में तो आप बारिश के समय में यहाँ पर आए और यहाँ पर खूबसूरती को निहारे, यहाँ की खूबसूरती को महसूस करें और देखें कि यहाँ पर कितनी सुंदर धरा है। सतपुड़ा के पहाड़ पर कितना सुंदर स्थान है जो कि मुक्तागिरी के नाम से आज विश्व विख्यात है। दोस्तों इस स्थान को जैनियों का तीर्थ भी कहा जाता है। अब मैं आपको पीछे का व्यू दिखाता हूँ जो कि गुफाएं है यहाँ पर जैनियों की, तीर्थों जैनीय तीर्थकरों की यहाँ पर गुफाएं है जो कि उन्होंने अपनी तपस्या के समय में इनका निर्माण किया था और ये काफ़ी प्राचीन गुफाएं हैं जिनके दर्शन अब हम आप लोगों को कराने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर आना ना भूले क्योंकि बारिश में यहाँ पर का जो दृश्य है ये कुछ देखने लायक
दृश्य होता है दोस्तों। ये मंदिर के ऊपर के दृश्य है जो कि बहुत ही मनोरम दृश्य यहाँ से दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। ये देखिए, अब आप देख रहे हैं मंदिर के खूबसूरत नज़ारे जो कि हमने आपके लिए ऊपर से लिए हैं दोस्तों। अति सुंदर दृश्य यहाँ पर। ये अंदर कैसा लगे दोस्तों? यहाँ पर देखिए, एक वानर बेचारा मंदिर में कैद हो गया है। अब ये महाराज आएंगे, इसके बाद इस वानर को निकालेंगे। ये देखो दोस्तों, जी ये मंदिर के अंदर कैद हो गए महाराज बजरंगबली जी। दोस्तों, हजारों साल पुराने यह मंदिर और यह गुफाएं, ये सब लगभग 1000 साल से भी ज़्यादा पुरानी हो गई है दोस्तों। इतने पुराने यहाँ पर यह मंदिर है, इतने पुराने निर्वहन स्थल को हम आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने में सफल हुए दोस्तों। ये देखिए कितनी सुंदर लाइनें यहाँ पर लिखी हुई है। सुंदर दृश्य, सुंदर नज़ारे जो कि अति सुंदर दिखाई दे रहे हैं। अब देखो, मैं आप लोगों को झरना दिखाता हूँ। बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा इस झरने का हम आप लोगों को दिखा रहे हैं दोस्तों। वैसे तो आप यहाँ पर आएंगे तभी आप लोगों को यहाँ की खूबसूरती को देखने और निहारने का बिल्कुल जो अनुभव होगा वो अनुभव कुछ अलग ही होगा दोस्तों। यहाँ का झरना जो कि बारिश में इसका पीक कुछ अलग ही दिखाई देता है, बहुत सुंदर दिखाई देता है। वैसे तो ये अभी भी बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है दोस्तों। आप लोग झरने के दृश्य को देखें, सुंदर नज़ारे, सुंदर धारा, सुंदर अति सुंदर। यहाँ पर चारों ही तरफ के नज़ारे बहुत ही मंत्रमुग्ध कर देने वाले नज़ारे हैं दोस्तों। और यहाँ की जो गुफाएं हैं, ये गुफाएं बहुत ही सुंदर है और बहुत ही पुरानी है। इन गुफाओं में जो तीर्थ कर आ कर के रहते थे दोस्तों, वो कैसे आ कर के रहते रहे होंगे और उन्होंने कैसे तपस्या की होगी यहाँ पर और मुक्ति पाई होगी दोस्तों। ये एक सोचनीय बात है दोस्तों। मुक्तागिरी यानि कि वह स्थान जहाँ पर आ कर के जीव और आत्मा दोनों ही मुक्त हो जाए, यानि कि परम धाम को चली जाए, वैसे स्थान को, उस स्थान को मुक्तागिरी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। पूरे विश्व से यहाँ पर जैनीय लोग और पर्यटक लोग, टूरिस्ट लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ के सुंदर दृश्यों को निहारते हैं। और दोस्तों, दृश्य को देखते हुए यहाँ पर की सुंदर धरा
को अनुभव करते हैं दोस्तों। यहाँ पर आ जाने के पश्चात बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि हम किसी स्वर्ग में आ गए हैं। बिल्कुल स्वर्ग सा अनुभव यहाँ पर हम लोगों को होता है। तो दोस्तों, जैसा कि कहते हैं, यहाँ पर केसर की बारिश होती है। चतुर्दशी एवं अष्टमी के दिन यहाँ पर केसर की वर्षा होती है दोस्तों। बहुत ही सुंदर स्थान सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीचों बीच यह स्थान स्थित है। सतपुड़ा की पहाड़ियों में है, बहुत ज़बरदस्त स्थान है दोस्तों। मैं तो आप लोगों को रिकमेंडेड करूँगा कि बारिश के समय में एक बार आप लोग मुक्तागिरी दर्शन के लिए ज़रूर आए, अवश्य आए और यहाँ का के सुंदर व्यू का आनंद ले। बहुत ही ज़बरदस्त जगह है दोस्तों। धन्य है वो लोग जिन्होंने यहाँ पर इतना सुंदर स्थान बनाया, इतने सुंदर स्थान का निर्माण किया दोस्तों, और इस पर्वत को मुक्तागिरी क्षेत्र बनाया, यानी कि जीव और आत्मा के मुक्त होने का एकमात्र स्थान यदि कोई है तो वह है मुक्तागिरी, मुक्तागिरी और मुक्तागिरी। तो दोस्तों, मुक्तागिरी आप एक बार जरूर आए और अपने परिवार के साथ आए। आप एक बार यहाँ पर आ कर के यहाँ के सुंदर अनुभव को देखें और सुंदर अनुभव ले दोस्तों। आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर स्वर्ग सा अनुभव होगा, जो कि हमें भी हो रहा है। हम यहाँ पर आए हुए हैं तो बहुत ही सुंदर नज़ारों को इन नज़ारों को देखकर ही यहाँ पर पूरी थकान जैसे मिट सी जाती है। और यहाँ पर आने के पश्चात दोस्तों मन में बिल्कुल कहीं और का ध्यान आता ही नहीं है, सिर्फ यहाँ की खूबसूरतियों को निहारते रहना ऐसी इच्छा होती है। और दोस्तों लगता है जैसे आए हैं तो यहीं बस जाए। धन्य है वो लोग जिन्होंने इस स्थान को जैनियों के तीर्थ स्थल के रूप में यहाँ पर बनाया दोस्तों। धन्य है वो लोग। हमारे चारों ही तरफ बहुत ज़बरदस्त हरियाली है, सतपुड़ा के घने जंगल है दोस्तों, और ज़बरदस्त सीन हमको यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त, मानना पड़ेगा दोस्त, बहुत ज़बरदस्त जगह है भाई। यहाँ पर अंदर एंट्री करने के लिए एंट्री फीस दोस्तों पर पर्सन 30 रुपये लगता है। एक व्यक्ति का 30 रुपये लगता है और आप यहाँ के सुंदर नज़ारों का आनंद उठा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग इस स्थान पर ज़रूर पधारें और इस स्थान का लुत्फ उठाए, आनंद ले। पहाड़ियों का नज़ारा देखो भाई साहब, बहुत ज़बरदस्त नज़ारे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।